हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। बहुत लोग को जैसे कि पता चल ही गया होगा कि जो IBPS क्लर्क की 2021 की जो रिजल्ट आई है उसका कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई गया है। बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे अटेम्प्ट किए अच्छे एक्यूरेसी के साथ, फिर भी उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। 80-85 कुछ कुछ 90s वाले के भी ऐसे रिजल्ट आए हैं जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का जो भी कुछ मार्क्स से रह गए हैं, जो जिनका मिस हो गया, यहाँ पर आप लोगों को रुकना नहीं है। आप लोगों को और अच्छे से तैयारी करना है ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आप उसमें जॉब ग्रैब कर सकें। यहाँ पर जो भी नए स्टूडेंट है, जो भी बिगनर्स है, मैं उनको बताने वाला हूँ कि आप ये गलती मत करिए। जो जैसे जैसे देखा जा रहा है कि दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा कटअप बढ़ते जा रहा है, तो आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं है कि आप 100 में 60-65 नंबर ला के आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। अब आपको अच्छे मार्क्स की ज़रूरत है और काफ़ी अच्छे मार्क्स की ज़रूरत है। उसके लिए आपको सही स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए IBPS क्लर्क 2022 के लिए एडवांस स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स आता है, कौन सा स्कोरिंग टॉपिक है, स्कोरिंग चैप्टर है, सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज। और आप लोगों को टारगेट कम से कम 85 लेकर ही चलना पड़ेगा। ये बहुत मतलब कि नेसेसरी हो गया आप लोगों को इतना मार्क्स स्कोर करना। अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है, प्री क्लियर करना है, तो आपको इतना टारगेट लेकर ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा लाइन लिख कर लाया हूँ। ए मंथ फ्रॉम नाउ यू कैन ईदर हैव ए मंथ ऑफ प्रोग्रेस और ए मंथ ऑफ एक्सक्यूजेस, इट्स योर चॉइस। आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ गए होंगे। अब यहाँ से आप एक्सक्यूजेस देना बंद करिए, अब अपने काम पर फोकस करिए, काम पर ध्यान करिए। आगे जो भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम पर फोकस करिए। एक्सक्यूजेस देना बंद करिए कि नहीं मेरा मैथ स्ट्रांग है नहीं है, रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, इंग्लिश समझ में नहीं आता, वैकेंसी नहीं आती है। तो ये सब एक्सक्यूजेस देना बंद करिए, एग्ज़ाम पर फोकस करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, जरूर एग्जाम क्लियर होगा। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को की पॉइंट क्या है। की पॉइंट ये है कि अगर आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका क्रिस्टल क्लियर ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट, जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। फोकस ऑन कैलकुलेशन, अगर आपको प्री क्लियर करना है तो आपको कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा तब तक आप जो अटेम्प्ट है वो 80-85-90 तक कर ही नहीं पाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज, जब भी आप कोई भी प्रिपरेशन शुरू करते हैं उसका जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसका एनालाइज जरूर करें। लास्ट थ्री ईयर का पेपर कम से कम जरूर एनालाइज करें। प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालाइज, कट ऑफ भी जरूर एनालाइज करें। 1-2 साल पीछे का एनालाइज हमेशा कट ऑफ जरूर एनालाइज करें। सोर्स फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या टेक्स्ट बुक ऐप में मिल जाएगा, या ग्रेड ऐप में भी मिल जाएगा। आप ढूंढिएगा तो आपको जरूर मिल जाएगा। डेली रूटीन एंड स्टडी प्लान सब्जेक्ट वाइज, अभी मैं इस पे बात करने वाला हूँ, आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। प्रॉपर वे टू अटेम्प्ट मॉक्स, उसके बारे में बताने वाला हूँ। बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा वो भी बताने वाला हूँ, और बेस्ट फ्री सोर्सेस आपको कहाँ से मिलेगा वो भी बताने वाला हूँ। इस लाइन को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं स्टडी विद शुभम आप लोगों को, और किसी प्रकार का भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, shubham_ly। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है क्वांट। क्वांट में आप लोगों को क्या क्या करना और कैसे कैसे करना है वो जान लीजिए। क्वांट में आप लोगों को सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, DI, कैसलेट और अर्थमेटिक, इतने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। आप देख लीजिएगा जो स्पीड मैथ्स है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहीं से आप लोगों को 20 से 25 नंबर आप गेन सकते हैं। और मैथ में आप लोगों को अगर 25 नंबर गेन कर लिए तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो आप समझिए कि ये कैलकुलेशन, स्पीड मैथ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करिए। और जो DI आते हैं, जैसे DI हो गया, कैलकुलेट हो गए और अर्थमेटिक, ये टोटल मिला के आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। यही लेवल रहता है आप लोगों को, लगभग अप्रोक्स इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो आपका मैथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको अर्थमेटिक के लिए और आपको स्पीड मैथ्स के लिए। तो सबसे पहले देख लीजिए कि रेशियो, एवरेज, एज, परसेंटेज, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, डिस्काउंट्स, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड, वर्क पेजेस, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे इतने टाइप्स के DI है, कैसलेट DI, पाई चार्ट, टेबुलर DI, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, मिसिंग डाटा। और ये अगर इतना चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका मैथ में काफ़ी ज़्यादा नंबर स्कोर अच्छा बूस्ट करेगा।
क्योंकि आप देख रहे हैं स्पीड मैट से इतना 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप यहीं पे कोशिश करिए कि मेरा 100% हम यहीं पे फोकस करें, ताकि मेरा कम से कम अगर 25 नंबर पूछा जाता है तो कम से कम 20 से 22 नंबर तो आपको ग्रैब करना ही ग्रैब करना है, और बाकी जो आपको टाइम मिलेगा उसमें आप अर्थमेटिक और DI करेंगे। अगर आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है, अगर आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ का अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, तो ये आपको डेली बेसिस में करना है। 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से करना है, 20 क्वेश्चन आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन से करना है, 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है, 20 नंबर सीरीज से करना है, 5 DI आप लोगों को कम से कम डेली बनाना और एक सेक्शनल क्विज करना। ये क्वांट का सेक्शन था, ये आप लोगों को मैं एग्जाम पैटर्न बता दिया, ये कंप्लीट सिलेबस बता दिया, और ये डेली बेसिस का रूटीन क्या होने वाला ये भी बता दिया। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते तो आपका नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर बूस्ट करेगा, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करिएगा। और बेस्ट चोर्स आपको जितने भी PDFs है चैप्टर वाइज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के लिए आप बहुत सारे चैनल से जैसे ए ग्रेड क्लासेस हो गए, आप Studyfy को फॉलो कर सकते हैं, आप अड्डा को फॉलो कर सकते हैं, और करियर डिफाइनर को भी फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और DI के लिए आप अमर सर को फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, रीजनिंग में देख लीजिए। सबसे पहले इनइक्वलिटी, सिलॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। मतलब कि जो भी मिसलिनियस टॉपिक होते हैं, मिसलिनियस टॉपिक से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं वहाँ से आप लोगों को 20 क्वेश्चन लगभग 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 4 सेट्स आते हैं, उसमें आप लोगों को 5-5 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर मैं बस एक ही बात बताऊंगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये जितने भी चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट इनका रहते हैं। आप एक बार कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लीजिए, आप आराम से 15 नंबर गेन कर सकते हैं। और ये जो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट है, अगर इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत इजीली थोड़े से प्रैक्टिस करने के बाद आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा 30+ स्कोर करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि रीजनिंग में अपना स्कोरिंग बना के रखें, ताकि बाकी सब्जेक्ट में अगर कुछ दिक्कत भी होता है तो रीजनिंग संभाल लेगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 15 में आपको 15 फुल स्कोर करना है, इसमें ना एक मार्क्स ज़्यादा ना एक मार्क्स कम आप लोगों को करना, और इसमें आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड है। प्रैक्टिस आप अंकुश लामा सर के 1000 सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, उनका वीडियो आपको यूट्यूब और अनअकैडमी पे भी मिल जाएगा, और अगर PDF चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी इसके लिए आप बैंकर्स माइंड को फॉलो कर सकते हैं, अड्डा को फॉलो कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के पजल्स होते हैं, वो देख ले बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो बॉक्स पजल, फ्लोर, डे, मंथ, ईयर, ब्लड रिलेशन, लीनियर पजल, पैरेलल पजल, मिक्स, अनसर्टेन, रो, सर्कल, स्क्वायर, सिटिंग अरेंजमेंट, इतने टाइप्स के होते हैं। अगर आप इतने टाइप्स के कवर कर लेंगे तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर बेसिक फॉलो अड्डा 247, फॉर एडवांस लेवल अंकुश सर को फॉलो करिए 1000 सीरीज के लिए। बेस्ट टॉपिक वाइज क्विजेस आपको स्मार्ट क्रिया ऐप में मिल जाएगा, और सेक्शनल क्विजेस आप अड्डा ऐप में दे सकते हैं। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इसका डेली क्विजेस देना है, ये स्मार्ट क्रिया ऐप में मिल जाएगा आप लोगों को, और ये आप अंकुश सर को फॉलो करके कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में क्या क्या करना आप लोगों को। नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप अभी से सबसे पहले रीडिंग हैबिट शुरू कर दीजिए। अगर आपका रीडिंग हैबिट अच्छा रहेगा तो आपको कोई चीज़ में दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को RC 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, एरर जो है 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोज स्टेज 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, फिलर 3, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2, मिसपेल्ड 1, पैराजम्बल्स 5, और मैच द कॉलम और idiom एंड phrases कभी कभी पूछा भी जाता है और कभी कभी नहीं भी पूछा जाता, लेकिन जो ऊपर के सारे टॉपिक्स ही है डेफिनेटली पूछा जाता है। अगर आपको इसको अच्छा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ग्रामर के लिए आप नीतू मैम का इंग्लिश बुक फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद अगर ग्रामर आप एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो निमिषा मैम का 120 रूल्स फॉलो करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वोकैब के लिए आप रिवीजन के तौर पर ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हैं, या फिर रूट्स वर्ड्स बाय निमिषा मैम, ये दोनों को फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और मैम का भी बुक का भी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और 120 रूल्स भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इंग्लिश इंप्रूव करने का सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कम से कम 20 मिनट रीडिंग जरूर करिए, था हिंदू को रीडिंग करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो वोकैब्स आते हैं वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। फ्री टॉपिक वाइज क्विजेस, जितने भी ये टॉपिक्स हैं इसका टॉपिक वाइज क्विजेस आप लोगों को स्मार्ट किड ऐप में मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे लेवल्स के वहाँ भी क्वेश्चन रहते हैं, प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। फ्री सेक्शनल क्विज आप अड्डा के ऐप में दे सकते हैं, अड्डा के ऐप में डेली अपडेट किया जाता है सारे एग्जाम के लिए, तो आप वहाँ पर जाकर फ्री सेक्शनल क्विजेस दे सकते हैं। ये आपको स्कोरिंग टॉपिक्स बता दिया, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कहाँ मैं सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए।
होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। किसी प्रकार का भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर करके बोलिएगा, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि सारा अपडेट बैंक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम से रिलेटेड सारा अपडेट और इन्फॉर्मेशन जरूर आप लोगों को मिल जाए। और टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि फ्री स्टडी मटेरियल बहुत सारा वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक यू।